Hey guys, subscribe Daily Dude channel and press the bell icon for the new video. सम्मानित नागरिकों नमस्कार, पुनः आपके बीच उपस्थित होकर बहुत हर्षित महसूस करता हूं और इसलिए भी हर्षित महसूस करता हूं कि आपके एक कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती है कि हम अपने गार्डन को बेस्ट दिशा में कैसे ले जाएं। इसी क्रम में चूँकि बारिश का समय आ गया है और बहुत सारी हर्डल्स आपके बीच आएंगी, तो हम आज जो शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि आप चींटियों से कैसे अपने पौधों को सुरक्षा दे सकते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ लाइव वर्कशॉप में भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो चूंकि आप दूर रहते हैं लेकिन हम कहीं भी हों अपनी इस प्रयास को जारी रखेंगे कि आप तक ये संदेश बराबर पहुंचाते रहें। इस दिशा में आज का वीडियो है, हमारे बीच घर का घरेलू नमक है, चूंकि हमारा किचन से संसाधन इकट्ठा किया हुआ होता है, घरेलू नमक है। घरेलू नमक आप 2 चम्मच लीजिए। और ये हमारे पास हल्दी है, चूंकि हल्दी हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है। इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप कमेंट आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। हाँ, तो ये हल्दी और हमने अभी घर का जो नमक आता है उस नमक को ऐसे मिक्स कर दिया। और जहाँ जहाँ आपकी चींटियों की समस्या है, यदि आप पर्यावरण से सरोकार रखते हैं तो आप चींटियों का एक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। चींटियाँ एक जगह कंसंट्रेट हो जाए ऐसा भी कुछ काम कर सकते हैं। तो चींटियों के लिए यदि आपने कुछ साधन ऐसा जुटा दिया जिससे वो खाएं और एक ही जगह में वो कंसंट्रेट हो जाएं, तो वो भी एक मैनेजमेंट का तरीका है। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि नहीं, ये हडल है हमारे लिए परेशानी का सबब है और अंडे इसके डेवलप हो रहे हैं, तो आप इनके लिए एंटी माहौल बना सकते हैं। तो एंटी माहौल बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी? एंटी माहौल बनाने के लिए आपको चाहिए कि जो चींटियों को नहीं पसंद है वो आप डालेंगे अपने पौधों पर। अच्छा। तो ये नमक है और ये हमारा हल्दी है, और इस दोनों हल्दी के और नमक के मिश्रण को हमने लिया है। लेना कितना है ये ध्यान रखिए, लेना है आपको जैसे आपने 2 चम्मच नमक लिया और 1 चम्मच हमने ये हल्दी लिया, ठीक है? 1 चम्मच ऐसे हल्दी लिया, दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। जहाँ जहाँ आपकी चींटियों की समस्या है उसके इर्द गिर्द आप इनको डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगा इससे? कोई दिक्कत नहीं है। पौधों के लिहाज से चूंकि रेनी सीजन है तो नमक आपको बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप हो सकता है कि कोशिश कीजिए कि यदि आपके एक बार आपने एप्लीकेशन कर दिया है तो एक टाइम ज़्यादा लंबा ले लीजिए आप, जिससे कि रेनी सीजन में धुल जाए। मैं पहले नहीं दिया था, गर्मियों में ये आपको तरकीब नहीं बताया था क्योंकि लोग अप्लाई गर्मियों में करने लगेंगे तो उससे हो सकता है पौधों को नुकसान पहुँचता। लेकिन हाँ, आप यदि अभी करते हैं तो बहुत ऐसा नुकसान नहीं होगा, पर आपको 1-2 महीने में सिर्फ एक बार करना है जिससे कि उनका माहौल चेंज हो जाए और उनको आने से एक रुकावट पैदा ले दे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा बताया आइडिया आपने।